विवादित बयानों के बादशाह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं रामपुर के वर्तमान सांसद आजम खान के द्वारा भारतीय सेना पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज रामपुर कोर्ट में उनकी अदालत में तलब किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की सख्ती के बाद आजम खान कोर्ट पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कई बार से लगातार वो कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात बस ये होगी कि इस बार आजम खान कोर्ट पहुंच पाते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि सेना पर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, जिस मामले पर ये सुनवाई होनी है रामपुर अदालत में, उन्होंने सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका मामला कोर्ट तक पहुंचा था और लगातार कोर्ट के बुलावे पर भी आजम खान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अब देखने वाली बात यह है कि आजम खान को कोर्ट ने तलब किया है, अब आजम खान इस बार कोर्ट पहुंचते हैं या नहीं। सेना पर अभद्र टिप्पणी मामले का पूरा मामला है, जो उन्होंने सेना पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी और लगातार उनको कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन वो लगातार हाजिर नहीं हुए हैं। तो आपको बता दें कि विवादित बयानों के बादशाह कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के ये कद्दावर नेता हैं और रामपुर से ये सांसद हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी फहीम जुड़े हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो फहीम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को लगातार कोर्ट बुला रही है और इस बार भी उनको बुलावा आया है, अगर वो इस बार नहीं पहुंचते तो कोर्ट क्या कदम उठाएगी? देखिए, आजम खान इन दिनों बड़ी उलझन और परेशानियों में घिरे हुए हैं। कई मामले उनके चल रहे हैं कोर्ट में, लेकिन किसी मामले में भी वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। ये भी एक बयान था उनका भारतीय सेना को लेके, तो उस मामले में भी इनका मामला जो था सिविल लाइन से कोर्ट में आया था और कोर्ट में उनकी डे टू डे हेयरिंग चल रही है। तो इसमें इस मामले में जो था वो हाई कोर्ट से जमानत पे चल रहे हैं फिलहाल तो आजम खान, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो किसी डेट पे यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आज अदालत जो है कोई उनके खिलाफ कोई आदेश ऐसा पारित करे जिनसे उनको बुलाया जाए दूसरे तरीके से, क्योंकि लगातार कई तारीखें ऐसी पड़ चुकी हैं जिनमें अदालत आजम खान को बुला चुकी है, लेकिन अभी तक आजम खान हाजिर नहीं हुए हैं। क्योंकि आजम खान साहब इन दिनों वैसे भी शहर से बाहर हैं और काफी उलझन और परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो हो सकता है कि आज आजम खान पेश हो जाएं, लेकिन उम्मीद बहुत कम लगती है। अगर आजम खान आज पेश नहीं होते हैं कोर्ट में तो कोर्ट बिल्कुल कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ। जी फहीम, वही अगर देखा जाए पिछली बार से तो लगातार जो आजम खान है कितनी बार कोर्ट में पेश नहीं हुए जब उनकी पेशी थी और पेश नहीं हुए? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी पेशी थी और पेशी में भी कई सारे जो आदेश है उनके खिलाफ इसी वजह से हो रहे हैं कि वो पेश नहीं हो पा रहे हैं। उनके खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई हो चुकी है, उनकी मुनादी भी हो चुकी है, उनके खिलाफ जो है धारा 83 जो सुर्खी करने की एक धारा होती है उसमें भी पुलिस से जवाब मांग लिया गया है, रिपोर्ट मांग ली गई है अदालत की तरफ से। तो लगातार आजम खान गैर हाजिर चल रहे हैं जिसकी वजह से कोर्ट सख्त हो रहा है और कोर्ट लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो आज आजम खान अगर हाजिर होते हैं तो किसी उलझन से बड़ी उलझन से बच सकते हैं। अगर आजम खान आज भी हाजिर नहीं हुए तो हो सकता है कि कोर्ट का चाबुक फिर चले और फिर कोई कार्रवाई हो जाए। जी अभिषेक जी फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।